पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? आपके सामने हूँ। अच्छा, रीमा जी के वलीमे पे आए, आपको कैसा लग रहा है? क्या बात है, माशाल्लाह रीमा के साथ हमारा बहुत बड़ा अरसा गुजरा फिल्मों में और हमारी कलीग रही हैं, तो आज हम उनकी खुशी में शामिल होकर होने के लिए आए हैं। और रीमा ने जितना अरसा फिल्म इंडस्ट्री में गुजारा, न सिर्फ अपने फन अदाकारी के हवाले से बल्कि अपने हुस्न अखलाक से भी उसने अपने नकूश छोड़े हैं, और वो नकूश फरामोश नहीं किए जा सकते। मैं रीमा और उनके स्पाउस के कामयाब जिंदगी के लिए, खुशियों के लिए दुआ को हूँ। अच्छा सर, आज आप रीमा जी को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करेंगे? माई आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी, मैडम नूरजहां की आवाज और रीमा की खुशियों के लिए उसकी नजर। पाकिस्तान के मारूफ सिंगर वारिस बेग, आइए जानते हैं कि रीमा के वलीमे पे ये कैसा फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? फाइन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ रीमा, आपकी कुलीग भी थी और आपने उनके लिए बहुत से सॉन्ग भी गाए, आपको कैसा फील हो रहा है? उनकी शादी हो गई है।
सबसे पहले तो मैं विश कर रहा हूँ जी, आज उनका वलीमा है, उनको मैं विश करना चाहता हूँ। शी इज़ अ वंडरफुल वुमन, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी कुलीग हैं। और एक और बात करना चाहूँगा, कामयाब जिंदगी के लिए गुजारने के लिए मियाँ के दिल की रानी बनना पड़ता है, जबकि वो बन चुकी हैं। और जिस तरह उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया, उन्होंने डायरेक्शन में अपना नाम कमाया, मैं चाहूंगा पाकिस्तान के लिए भी कुछ करें, वो पॉलिटिक्स में आए और पाकिस्तान गरीब आवाम के लिए कुछ करें। आज आप रीमा को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करेंगे आज के दिन के मौके पर? मेरा एक गाना था जी, कल चांद की 14वीं रात में तुम्हें याद हो गया तुमने क्या किया, मैं चाहता हूँ वो प्ले करें। कल चांद की 14वीं रात में तुम्हें याद है कि तूने क्या किया, तो मैं चाहता हूँ आप लोग ये गाना उनको आज डेडिकेट करना चाहता हूँ, उनको सुनाइए। यूं तेरे बदन को चूम लिया मैं प्यार के नशे में झूम लिया, यूं तेरे बदन को चूम लिया मैं प्यार के नशे में झूम लिया। पहले तूने हमेशा इनकार किया।